तीसरा बोलेरो पिकअप जिसने एक दशक से ज्यादा समय से पिकअप सेगमेंट में अपनी बादशाहत कायम रखी है। वाह क्या शानदार दमदार गाड़ी है ये। दोस्तों ऐसे ही नहीं कहते इसे पिकअप का बादशाह। नमस्कार दोस्तों, truckbuses.com में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम और आप देखेंगे महिंद्रा बोलेरो FB एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पिकअप जो दो वेरिएंट में आती है, 1.3 टन और 1.5 टन। हम डिटेल रिव्यू करेंगे आज 1.3 टन पिकअप का, साथ ही जानेंगे इसकी कीमत, माइलेज, लोन, डाउन पेमेंट के बारे में भी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बोलेरो पिकअप का फ्रंट लुक, थ्री बॉक्स डिजाइन में ये गाड़ी आती है। आगे बोनट निकला हुआ आप देख सकते हैं जो इस गाड़ी को एक दमदार लुक दे रहा है। इस गाड़ी में आपको पावरफुल हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, सच में पावरफुल हैं ये, बहुत जल्दी गर्म हो गया है सरफेस। इसके बगल में आप इंडिकेटर लाइट प्लेस देख सकते हैं, बीच में महिंद्रा का लोगो आपको दिख जाएगा। नीचे बम्पर पे रिफ्लेक्टर लगे हैं, साथ ही फॉग लाइट का भी प्रोविजन दिया गया है। इसके फ्रंट टायर को देखा जाए तो इस गाड़ी में 7R15 12PR के बड़े और चौड़े टायर लगाए गए हैं, जिससे हमें ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी गाड़ी चलाने में परेशानी नहीं होती है। फ्रंट टायर में डिस्क ब्रेक की सुविधा भी दी गई है। ये आप देख रहे हैं इस गाड़ी की मजबूत चेसिस और फ्रेमिंग, मजबूती में इसका कोई जोर नहीं है। इसके रेयर सस्पेंशन को देखा जाए तो 8 कमानियों वाला ये सादा पट्टा कमानी है जो पहले से ज्यादा मजबूत है और ज्यादा लोड उठाने में सक्षम है। गाड़ी के साथ मिल रहे स्पेयर टायर को यहाँ पीछे प्लेस्ड किया गया है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं पिकअप का रेयर लुक, महिंद्रा की ब्रांडिंग आपको पीछे डाले पे दिख रही है, जिसके नीचे रिफ्लेक्टर स्ट्रिप लगाए गए हैं जिससे रात को पीछे से आ रही गाड़ियों को आसानी हो। टेल लैंप काफी खूबसूरत दिख रहे हैं और बॉडी से थोड़े अंदर लगाए गए हैं जिससे इनके टूटने फूटने का खतरा कम हो। साथ ही आप पीछे लगे रेयर सेंसर को भी देख सकते हैं। इस गाड़ी में 8.4 फीट लंबी और 5.5 फीट चौड़ी लोड बॉडी ऑप्शन मिलती है आपको। 3000 GVW की ये गाड़ी आपको 1300 किलो का बढ़िया पेलोड देती है। इस गाड़ी में आपको 200 mm का बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। इसके रेयर टायर में ड्रम ब्रेक की सुविधा आपको मिलती है। दोस्तों बात करें इसके कीमत की तो गुड़गांव में इसकी एक शोरूम कीमत 9,29,000 रुपये है। टैक्स रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी ऑन रोड प्राइस 9,82,000 रुपये हो जाती है। इस गाड़ी को आप 18,000 से 19,000 रुपये के शुरुआती मासिक किस्त पे खरीद सकते हैं। लगभग 1,25,000 रुपये से इसकी डाउन पेमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपके सिविल और डॉक्यूमेंट्स पे वैरी कर सकता है। आइए दोस्तों अब इस गाड़ी के केबिन के अंदर चला जाए। इसके इनसाइड गेट को देखें तो इसमें मजबूत ग्रैब हैंडल के साथ ही यहाँ लॉक और मैनुअल विंडो कंट्रोल भी आप देख सकते हैं। केबिन में चढ़ने के लिए नीचे यहाँ फुटस्टेप दिया गया है। ड्राइवर सीट को देखें तो बैकरेस्ट को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसे ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं आप, और सीट को आगे पीछे आप इस जगह से कर सकते हैं। तो इसे एडजस्ट करके अपने कद काठी के अनुसार आप बना सकते हैं। स्टैंडर्ड पावर स्टीयरिंग मिलता है इस गाड़ी में। लेफ्ट हैंड साइड आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं और स्टीयरिंग के राइट साइड में लाइट और इंडिकेटर कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ हैजर्ड लाइट स्विच दिया गया है। आइए गाड़ी को ऑन करके देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा दिख रहा है। सेंटर में एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया। लेफ्ट साइड में डिजिटल स्क्रीन है जिसपे आप फ्यूल हीट के साथ ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मॉनिटर कर सकते हैं। ऑप्शनल म्यूजिक सिस्टम का प्रोविजन भी आपको इस गाड़ी में मिलता है। यहाँ 12 वोल्ट मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी, लॉकेबल ग्लोव बॉक्स यहाँ आप देख सकते हैं को ड्राइवर सीट के सामने। अच्छे इंटीरियर के साथ स्पेशियस केबिन है ये। सीट पहले से ज़्यादा चौड़ी की गई है। यहाँ से ड्राइवर को अच्छा रियर व्यू मिल जाता है। केबिन लाइट फैसिलिटी आपको इसमें पीछे की तरफ इधर मिलती है। गाड़ी के विंडशील को देखें तो अच्छी बड़ी विंडशील है जो ड्राइवर को अच्छी विजिबिलिटी देती है। इस गाड़ी में आपको 5-speed सिंक्रोनस गियर बॉक्स मिल जाते हैं जो इस गाड़ी को 14.3 किलोमीटर पर लीटर का बढ़िया माइलेज देता है। यहाँ आप हैंड ब्रेक देख सकते हैं। अच्छा फूट स्पेस मिल रहा है ड्राइवर को ABC कंट्रोल करने के लिए और ओवरऑल केबिन स्पेसियस और खूबसूरत दिख रहा है। आइए दोस्तों अब गाड़ी के इंजन की बात करें तो इस बोलेरो पिकअप में भी महिंद्रा की फेमस 2500cc 2.5 लीटर M2DI CR इंजन लगी है जो इस गाड़ी को 75 HP मैक्सिमम पावर और 200 Nm हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको हर तरह के कमर्शियल व्हीकल के वीडियो मिलते रहें। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।